हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू एड्यूट्यूबर टॉक्स। तो डेली वन क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर गाइज हम रोज एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि यूजीसी नेट पेपर वन से होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चंस का लेवल काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो यहाँ पर हम रोज एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, बेहतरीन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आईसीटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है क्विज बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू डेवलप क्विजेस। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, वैकलेट, लर्निंग पॉड, पिक्सटॉन, हॉट पोटैटो और सोक्रेटिस। यहाँ पर आपके फाइव ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर वन में आते हैं जो कि ABCD इस तरीके के फॉर्म में होते हैं। ऑप्शंस आपके इस तरीके से दिए होते हैं, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन एक ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये सही है तो आप टिक नहीं कर सकते। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं जो अनफैमिलियर हैं, आपने नाम नहीं सुने, आपको पता नहीं है कि ये यूज किस लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने की। यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, नाउ टाइम अप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज BDNE, यानी कि लर्निंग पॉड। कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो यूज किए जाते हैं क्विजेस बनाने के लिए, दैट इज लर्निंग पॉड, हॉट पोटैटोस एंड सोक्रेटिस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हॉट पोटैटो किस लिए यूज किया जाता है, आपका क्विज बनाने के लिए। अब ये क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि एजुकेटर्स यूज करते हैं किसके लिए, इंटरैक्टिव क्विजेस के लिए, पजल्स के लिए, क्रॉसवर्ड्स के लिए और अदर लर्निंग एक्टिविटी के लिए, जिसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल नहीं चाहिए। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इसको आप एक बार वेबसाइट पे जा करके देख भी सकते हैं कि ये क्या एक्चुअल में क्या क्या चीजें क्या क्या फीचर्स लिया हुआ है इसमें, तो दैट आपको लॉन्ग टर्म में भी इसे ये याद रहे। अब ये वाइडली यूज किया जाता है टीचर्स के द्वारा किस लिए, ताकि इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल बनाया जा सके ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड कोर्स में। तो हॉट पोटैटोस क्लियर है गाइस। अब लर्निंग पॉड की बात करें तो ये भी मोर और लेस कुछ ऐसा ही है जिसमें कि क्विजेस बनाई जाती है। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स को ट्यूटर्स को, जिसमें टूल्स हैं रिमोट लर्निंग के, रिमोट लर्निंग कराने के लिए ये एप्लीकेशन अच्छा है। अब सोक्रेटिव की अगर हम बात करें, सोक्रेटिव क्या है, ये भी ऑनलाइन टूल है जो कि टीचर्स को अलाउ करता है कि वो क्विजेस बना सकें, असेसमेंट बना सकें और बच्चों को रियल टाइम में भेज सकें। क्विज बनाने के बाद रियल टाइम में ये सेंड कर सकें, सोक्रेटिव आपको अलाउ करता है। अब ये भी हॉट पोटैटो की तरह ही है, बट सोक्रेटिव में क्या है, ये वेब बेस्ड टूल है। वाइल अब डिफरेंस देखिए, हॉट पोटैटो क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन ये वेब बेस्ड टूल है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब दो ऑप्शंस और दिए थे हमें क्वेश्चन में, वॉकलेट। वॉकलेट क्या है, कंटेंट क्रिएशन टूल है। कंटेंट क्रिएशन टूल क्या होता है, अब तो कंटेंट आप सभी को पता है क्या होता है, कंटेंट बनाना, कंटेंट आजकल वाइडली बनाया जा रहा है। क्रिएशन का मतलब है कलेक्शन, एक तरीके से कलेक्शन किसका, आर्टिकल्स का, वीडियो का, अदर्स रिसोर्सेस का, जिससे आपका कंटेंट बनता है। अब इस एप्लीकेशन में कोई भी कंटेंट क्रिएशन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इसको मार्क नहीं करा है। पिक्सॉन की अगर हम बात करें तो ये कॉमिक्स में जो ग्राफिक्स होते हैं, नॉवेल में जो कॉमिक्स में कैरेक्टर्स होते हैं, टूल होते हैं, उसके लिए पिक्सॉन को यूज किया जाता है। जैसा कि आपको नाम से थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा, पिक्सॉन ये टूल है कॉमिक्स एंड ग्राफिक नॉवेल के लिए। इसमें भी कोई क्विज क्रिएशन कैपेबिलिटी नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार ऑनलाइन भी इसे चेक करें, थोड़ा इसके बारे में समझें, पढ़ें, सो दैट आपको ये लॉन्ग टर्म में भी याद रहे जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें। तो गाइज आज के लिए इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच। ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, सो दैट आपको जो भी कॉन्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।